अस्सलाम वालेकुम। ये रमज़ान का महीना सबके लिए बहुत बाबरकत महीना होता है और इस महीने के अंदर जो मोहब्बत प्यार का दर्ज दिया जाता है रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर कि अपने बच्चों को हमने अवेयरनेस देनी है इस चीज़ की कि बेटा भलाई के काम करने हैं, छोटी छोटी सी नेकियां से मिटनी है और जिस तरह भी मुमकिन हो सके अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, ना कि किसी के लिए कभी भी कोई नुकसानदायक नहीं। ये अवेयरनेस के लिए हमारा बहुत ज़बरदस्त कदम हो सकता है अपनी बच्चों की तरबियत के हवाले से। बहुत शुक्रिया। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं, हुजूर हम में से सारे लोग तो ये इस्तेआत नहीं रखते कि वो किसी को रोज़ा इफ्तार करवाएं, ये तो फिर उमरा ही बाजी ले जाएंगे कि वो रोज़ा इफ्तार करवाएंगे, तो हम लोग तो जो इस काबिल नहीं हैं, गुराबा हैं, वो तो फिर किसी को रोज़ा इफ्तार करके ये वाला सवाब नहीं कमा सकेंगे। तो रहमत आलम ने क्या जवाब दिया सुनिए। फरमाया कि अल्लाह ताला ये सवाब उससे भी अता करेगा जो दूध के एक घूंट से, एक चुहारे या खजूर से, या पानी के एक गिलास से किसी को इफ्तार करवाए, अल्लाह उसे भी ये सवाब अता फरमाए। जाते जाते हाथ में खजूर दे दी कि साईं मेरी खजूर से रोज़ा खोल लेना। किसी गरीब ने ऐसे भी किसी का रोज़ा इफ्तार करवा दिया, मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको भी पूरा पूरा सवाब अता फरमाए। तो ये तो उसकी करम नवाजी है, उसकी रहमतों का बाड़ा बट रहा है। हाँ, अगर किसी ने किसी को सैराब हो करके रोज़ा इफ्तार करवाया, सैराब करके अच्छा दस्तरखान लगाया, अनवा अकसाम की चीज़ें रखी, वो रज गया, तो सवाब तो उसे भी मिल गया जिसने पानी का घूंट पिलाया, जिसने दूध का घूंट दे दिया, जिसने चुहारा दे दिया, खजूर दे दी। लेकिन जिसने उसको रजाया, उसको खूब सैराब किया, तो मेरे मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं अल्लाह उसको जामे कौसर अता करेगा। 50,000 साल के दिन में उस कौसर के जाम पीने के बाद उसको प्यास नहीं लगेगी, हत्ता कि जन्नत में चला जाएगा।